इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, और खास तौर पे जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। तो सबसे पहले उनकी एजुकेशन स्ट्रांग थी, फिर उनके यहाँ प्रोफेशनलिज्म बहुत है। मुल्क बने और जब से हम लोगों ने होश संभाली, हम ये सुनते चले आए कि पाकिस्तान नाजुक हालात से और बड़े नाजुक मोड़ पर खड़ा है और हालात से गुजर रहा है, और फिर ये सुनते सुनते हम नौजवान हो गए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है कि जिन लोगों के हाथ में इस वक्त हथकड़ियां होनी चाहिए उनके सरों पे ताज लगा दिया। रशिया को कोई किसी किस्म की दरख्वास्त नहीं गई पाकिस्तान की तरफ से, ये ऐसे ही फजू। और ये बात बहुत दिन पहले में नाज़रीन, भारत के अंदर वहाँ की जो हुक्मरान जमात है उसके थिंक टैंक और बहुत बड़े उनके जो रहनुमा हैं राम महादेव ने एक नई पेशकश की है वहाँ के मुसलमानों को, और तीन शरायत के साथ वहाँ रहने की इजाज़त दी है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका भारत की आवाज़ न्यूज़ चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान के पास दो टाइम की खाने को रोटी नहीं है, लेकिन जब वो इंडिया को इस दुनिया पर राज करता हुआ देखता है तो पाकिस्तान से ये बात हजम नहीं होती। आज पूरी दुनिया में इंडियंस ही राज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर CEOs इंडियंस ही लगे हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया इसी बात की चर्चा कर रहा है कि हम खड्डे के अंदर डूबते जा रहे हैं और इंडिया और उसके नागरिक इस दुनिया के अंदर राज करते जा रहे हैं और इंडिया का नाम रोशन करते जा रहे हैं, और हमने सिर्फ बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के ही CEOs पाल रखे हैं। तो आए मिलकर इस वीडियो का आनंद लेते हैं और पाकिस्तानी मीडिया की बौखलाहट सुनते हैं। आई एम इमोशनल टुडे, मतलब कि जो सूरत हाल है, जो बजट मेरे सामने है, मिफ्ता साहब के कई वादे थे जिनसे वो मुकर गए। उन्होंने कहा टैक्स नहीं लगेगा, फिर लगा दिया। फिर उन्होंने कहा IMF की किस्त आ रही है, अब वो नहीं आ रही है, अब मजीद टैक्स लगाना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा इनकम टैक्स में इजाफा नहीं होगा, फिर इनकम टैक्स में इजाफा हो गया। फिर अमीरों पर सुपर टैक्स लगेगा, गरीबों पर ये वाला टैक्स लगेगा। तनख्वाहदार तबके पर जो टैक्स था 47 अरब रुपए की छूट थी वो खत्म हो जाएगा। लाख रुपया भी जो कमा रहा है उससे भी इतने पैसे लेंगे, और करोड़ों रुपया जो कमा रहा है उससे इतने पैसे लेंगे। पेट्रोल के हवाले से 84 रुपए फी लीटर कीमत में इजाफा हो गया जब से हुकूमत आई है। डीजल में 115 रुपए इजाफा हो गया। हर महीने 5 रुपए लेवी अभी लगनी है अगले एक साल, हर महीने 5 रुपए इजाफा होगा। और इससे हटके सेल्स टैक्स है 11% जो कि अभी लगाया जाएगा, और वजीर खजाना कहते हैं मैं इसके हक में नहीं हूं। जिस चीज के हक में वो नहीं होते वो लग जाती है। किधर जा किधर हैं जैदी साहब? हम जी साहब, मेरी बात सुने, आपने बड़ी जज्बाती तकरीर की है, मैंने पूरी तकरीर आपकी सुन ली है, मगर ये आप जज्बाती तकरीर तो आप आज कर रहे हैं ना, 28 जून 2022 को। आपने मेरी 16 दिसंबर 2021 की तकरीर नहीं सुनी थी, जब आप सारे बड़े मुतमइन थे और आप सारे ये कह रहे थे कि पाकिस्तान बड़ा मजबूत मुल्क है। जब मैंने 16 दिसंबर 2021 को कहा था कि मुल्क दिवालिया है तो पूरा पाकिस्तान मेरे पीछे पड़ गया था, और उन्होंने कहा था कि शब्बीर साहब क्या बात कर रहे हैं। देखिए श्याम साहब, आप जज्बाती हो रहे हैं और जज्बाती होने की कोई वजह नहीं है। पहले अपने दिमाग से एक चीज बिल्कुल क्लियरली निकाल दें, अगर आपके दिमाग में वो चीज है। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क था, एक गरीब मुल्क है और गरीब मुल्क रहेगा। पाकिस्तान का जो वेस्टर्न एरिया है जो आज पाकिस्तान कहलाता है, लेकिन आप बोले मैं बाद में इख्तलाफ करूंगा। नहीं आपने आप इख्तलाफ करते रहे, आपका राइट है, मैं इख्तलाफ आपका करें मैं, मगर मैं कोई बात भी जो करता हूँ ना वो फैसले बगैर नहीं कर, मगर मैं पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, पाकिस्तान गरीब मुल्क था और गरीब मुल्क रहेगा। अगर आपके दिमाग में ये कोई कहीं कहीं ये बात घुसी हुई है, मुझे इख्तलाफ है ना, रहेगा पे मुझे नहीं, रहेगा नहीं, मैं तो देखिए ना, मेरा तजुर्बा आपसे या मुझसे जो चीज मेरे माँ बाप ने भुगती है नहीं जाता कि मेरे बच्चे भी वही भुगते हैं। यही तो खराबी है ना, कि अगर आपको आपके दिमाग में ये बात बैठी है कि ये नहीं रहेगा और इसके अंदर कोई सोने की काने निकलेंगी, तो ये अपने दिमाग से निकाल देंगे जब आप, फिर आपके बाद आपको बात समझ आएगी। आज आलमी टेक्नोलॉजी कंपनियों के जो भारतीय चीफ एग्जीक्यूटिव या तो रह चुके हैं या मौजूदा इस वक्त हैं, जरा उन पे नजर दौड़ाते हैं, क्योंकि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। डेफिनेटली बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से ये जो पूरी इस वक्त सूरत हाल है उसके पीछे कुछ ना कुछ किसी ने कुछ सोचा है, और तब ये आज भारतीय जो है दुनिया भर में हर तरफ मुख्तलिफ जो टेक कंपनीज हैं या मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें टॉप पोजीशंस में है। गूगल और उसकी जो पेरेंट कंपनी अल्फाबीट, उसके CEO हैं। 2015 में गूगल
के वो सीईओ बाकायदा तौर पर तैनात हुए थे। अगेन भारत में पैदा हुए, भारत में ही पढ़े लिखे और उसके बाद जाकर अमरीका में उन्होंने एक मुकम्मल जदोजहद के बाद जो है वो इस पोजिशन पर पहुंचे हैं। सत्या नदेला 2014 माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ रहे, 2021 में वो ज्वाइंट टेक के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन तैनात इस वक्त हुए हैं। अरविंद कृष्णा आईबीएम के सीईओ हैं 2020 से, शंतानु नारायण 2007 से एडोब के सीईओ हैं, अंजलि सूद 2017 से वीडियो प्लेटफॉर्म जो वाईमियो है उसकी सीईओ हैं, संजय मेहरोत्रा माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के सीईओ हैं, उससे कबल वो वेस्टर्न डिजिटल के बानी और सीईओ भी रह चुके हैं, अमन बुडानी जो है वो वेब होस्टिंग कंपनी के सीईओ हैं, निकेश अरोड़ा साइबर सिक्योरिटी कंपनी जो है उसके सीईओ हैं। आईएमएफ दो किस्तें एक साथ देगा और उन्होंने दावा ये किया है कि जी पाकिस्तान दिवालिया होने के खतरे से निकल चुका है, हुकूमत की इस बात में कितनी हकीकत है कि मुल्क दिवालिया होने वाला था, और ये भी जरा बता दें कि कौन जिम्मेदार है अगर मुल्क वाकई दिवालिया होने वाला था। पहली बात तो ये है कि ये सारे जो बात कर रहे हैं कि मुल्क दिवालिया होने वाला था, ये उस वक्त सब खामोश थे जब मैंने ये बात 16 दिसंबर 2021 को कही थी और मैंने कहा था कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, तो ये सारा पाकिस्तान मेरे खिलाफ हो गया था। अब ये सब कह रहे हैं कि दिवालिया होने वाला था और हमने बचा लिया, तो ये बात गलत कह रहे हैं। पाकिस्तान अभी अपनी अभी मुश्किलात से बाहर नहीं आया है। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, पेट्रोल 84 रुपए फी लीटर महंगा हो चुका है इस हुकूमत के आने के बाद से, डीजल की कीमत में 115 रुपए फी लीटर का इजाफा हो चुका हुआ है। एक गरीब आदमी जो कि घर का चूल्हा जलाने के लिए राशन 5-6 हजार रुपए में खरीदता था, वो अब ये कहता है कि मुझे 10-12 हजार रुपए में खरीदना पड़ता है। टैक्सेस की भरमार है मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें आईएमएफ की इंस्टॉलमेंट चाहिए, और पहले ये कहते थे कि अगर आईएमएफ की इंस्टॉलमेंट नहीं आएगी तो खुदा न खास्ता हम डिफॉल्ट हो सकते हैं। डिफॉल्ट अगर पाकिस्तान हो जाता है तो वही हालात होंगे जो श्रीलंका के हालात। श्रीलंका के हालात क्या हैं कि वहाँ पे इंटरनेशनल डिफॉल्ट के बाद एक खाना जंगी की सी सूरत हाल है, इकोनॉमी का बुरा हाल है, और उसके अलावा बिजली की लोड शेडिंग, वो तो पाकिस्तान में भी है। और कल मैंने आपको दिखाया था कि कराची की क्या सूरत हाल है, आज लाहौर में एहतजाज हुआ है। द पॉइंट इज दैट इट इज़ नॉट बींग द पीपल right now are not being motivated by some political party. ये जो लोग अब सड़कों पर निकल रहे हैं, ये जो लोग, ये आम शहरी हैं, ये किसी सियासी जमात के कहने पे या इमरान खान के कहने पे या इमरान खान के ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने पर बाहर नहीं निकल रहे। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, और खास तौर पे जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। तो सबसे पहले उनकी एजुकेशन स्ट्रांग थी, फिर उनके यहाँ प्रोफेशनलिज्म बहुत है, फिर उनके वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रांग है। इन तीनों चीज़ों के साथ साथ जो उनको सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वहाँ साइज बहुत है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगर आप उस पॉपुलेशन के एंगल से देखें तो ये अभी एक बहुत थोड़ा प्रोपोर्शन है जो इस वक्त आप सीईओ लेवल पे देख रहे हैं या सी लेवल पे देख रहे हैं अमेरिका में। इसके अलावा अगर आप नोटिस करें तो आप देखेंगे कि उनके यहाँ एक और बहुत बड़ा उनको फायदा था कि जो Y2K बग आया था अर्ली 2000s में, तो उस बग में उस वक्त उनकी लोकल आईटी इंडस्ट्री बहुत ट्रेंड थी, और वहां से जैसे ही वो बग आया तो अमेरिका में जब वर्कर्स की नीड आई तो वो लोगों ने अपने बहुत ज्यादा फॉरेन वर्कर्स वहां प्लेस किए अमेरिका की कंपनियों में, और बाद में वो बैक ऑफिस ऑपरेशंस में, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में इन्वॉल्व होने शुरू हो गए। उसके बाद याद रखें हमारे यहाँ 9/11 का सिलसिला शुरू हुआ, हमारी कंट्री की पीआर खराब हुई, मगर उनके प्लेस्ड जो वहाँ टीम्स थी, जो वहाँ एम्प्लॉयज थे, वो लोग ग्रो करना शुरू हुए, और आहिस्ता आहिस्ता वहीं पढ़ाई कर वो अब इस वक्त सी लेवल तक पहुँच गए।